हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपको पता है कि रेशियो का क्वेश्चन चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टिक के साथ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा था। जितना क्वेश्चन बनता है इससे मैं लगभग क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जितना क्वेश्चन बनता जाता है उतना क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बताता भी हूँ, टिक के द्वारा सॉल्व कराता हूँ। ऐसे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो किसी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो लेके आता हूँ लेकिन टाइप आपको लर्न रखना है कि कितनी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन करते जाना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क कीजिए, आप बुक ले लीजिए उस पर वर्क कीजिए। मैं यहाँ पर टाइप बताते जाता हूँ कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसको कैसे टिक के द्वारा सॉल्व करते हैं वो टाइप बताते जाता हूँ। वीडियो को आप देखते हो तो आपको अच्छा समझ में आता होगा कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रतिदिन कुछ नए टाइप के साथ आपके सामने आता हूँ, वैसे आज कुछ नए टाइप के साथ आपके सामने आया हूँ, उसको एकदम टिक के द्वारा नए कॉन्सेप्ट द्वारा क्लियर कराऊंगा जो किसी एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिए, आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। अरे दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन SSC में पूछा, SSC CHSL का Tier 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात जो ऊपर वाला अनुपात है वही 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, मतलब कहानी की और कितनी पुस्तक पुस्तकालय में रखे गए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है, उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कितने दोस्तों पुस्तकें हैं कहानियों के, तो 1512 हैं। तो आइए देखिए कहानियों की पुस्तकें कितने दोस्तों, कहानियों की पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें कितने हैं, तो 1512 हैं। कहानियों की पुस्तकें कितने हैं, 1512 हैं, इतना कन्फर्म। अब कह रहे हैं कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात कितना है, तो 7:12 है। इसका मतलब यहाँ से अन्य पुस्तक ज्ञात कर सकते हैं, अन्य पुस्तकों की संख्या, अन्य पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो अनुपात जब यहाँ पे 7:2 जो दो दिया है ना, इसमें देखेंगे कि पुस्तकों जो अन्य पुस्तक है उसका अनुपात क्या है, कहानियों की जो पुस्तक है उसका अनुपात क्या है। अन्य पुस्तकों, कहानियों की पुस्तक है अन्य पुस्तकों, मतलब ये जो 7 है कहानियों के लिए है, जो 2 है अन्य के लिए है। तो आपको मैं बताया था शुरू में दोस्तों कि जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसका रेशियो में जो मान होता है ऊपर रखते हैं, जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसका रेशियो में जितना मान रहता है उसको ऊपर रखते हैं। तो अन्य पुस्तकों की संख्या के लिए रेशियो में अन्य पुस्तकों का मान क्या है, तो 2 है, तो 2 को आप ऊपर रख दीजिएगा। अब देखिए किसका दे दिया, कहानियों की पुस्तकों की संख्या दे दिया है। अब कहानियों की जो पुस्तकों की संख्या दे दिया है, लेकिन कहानियों की पुस्तकों की संख्या का रेशियो क्या है दोस्तों, तो 7 है। तो कहानियों की पुस्तकों की संख्या 1512 दे दिया है, तो 1512 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 7 नीचे हो जाएगा और 1512 ऊपर हो जाएगा, इतना कन्फर्म। अभी 7 × 7 और यहाँ पे एक कैरी बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 2 = 14 दोस्तों, सॉरी एक कैरी बचा, यहाँ पे 7 × 1 = 7 और यहाँ पे 4 बचा, तो 7 × 6 = 42। अब 2 × 216 कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 3 और 2 × 3 = 4, 432 432 जो पुस्तक आ गए अन्य पुस्तकों की संख्या हो गई। अब देखिए कह रहा है कुछ कहानियों की पुस्तकों की संख्या संग्रह किए जाने से यही अनुपात 1500 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। कहानियों की संख्या मान लीजिए यक्ष हो जाती है, यक्ष पुस्तकें और बढ़ा दी जाती है, यक्ष कहानियों की पुस्तकें और बढ़ा दी जाती है, कहानियों की पुस्तकें और आ जाती है। तो कहानियों की जो पुस्तकें 1512 हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो 1512 + x हो जाएगा। अब नीचे इसका अपान क्या है दोस्तों, तो अन्य पुस्तकों की संख्या, मतलब इसका जो अनुपात दिया है ना कहानियों की और अन्य पुस्तकों की अनुपात दे दिया है 15:5, तो यहाँ पे भी 432 करेंगे, जब 432 करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 4 से नीचे वाला कट जा रहा है ना, देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पर आप कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 8 = 32, 108 भाग में जाएगा, कन्फर्म। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1512 और इक्वल हो प्लस यक्स इक्वल ये हो जाएगा 15 × 108। अभी देखिए 1512 + x इक्वल इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 8 क्या होता है 120, 0 यहाँ पे 12 कैरी, 15 ज्यादा यहाँ पे 12 लिख दीजिए, 12 का 2 हाथ में 1 × 15 = 1620 आ गया, कन्फर्म। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 1620 माइनस 1512 जब आप करेंगे तो 20 में से यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा,
108 पुस्तकें और आ जाती हैं। तो x बराबर आपका 108 आ गया। अब दोस्तों 108 क्या है, तो x यही कह रहा है कि कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, बाद में कितनी कहानी पुस्तकें आई, तो 108 आ गई। ये तो कंफर्म हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो है दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीएसएससी सीजीएल में 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है टीयर सेकंड में। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिएगा। कह रहा है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़के और लड़की दोनों मिला के इतने थे, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़की का अनुपात 7:6 हो गया। कुछ लड़के लड़कियां ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़के जब विद्यालय छोड़ दिया, तो उनका अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो ध्यान देखिएगा, बहुत ईजी है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप देखिए कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है, यहाँ पे लड़कों लड़कियों की संख्या नहीं दिया है, लड़कों लड़कियों में से किसी एक की संख्या नहीं दिया है, दोनों की संख्या दे दिया है 1554। यहाँ पे अलग अलग आप लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। तो लड़के लड़के के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, तो टोटल अब अनुपात आएंगे, अब देखेंगे कि अनुपात 4:3 है, तो 4:3 में लड़के कितने हैं दोस्तों, तो ये बॉय हो गए 4 वाले और 3 वाले गर्ल्स हो गए, क्योंकि दोस्तों पहले लड़के हैं लड़कियां हैं, तो बॉय हो गए 4 वाले। यहाँ पे आप लड़के की संख्या ज्ञात करना है, जब लड़के की संख्या ज्ञात करना है तो जो लड़के का अनुपात है उसको आप ऊपर रख दीजिएगा, तो 4 है 4 ऊपर रख दीजिए। अब नीचे देखिए इसमें सब विद्यार्थियों की संख्या दिया है, लड़के और लड़कियों को दिया है, इनके अनुपात को नीचे ऐड कर दीजिए, अगर किसी एक का दिया रहता है तो उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का संख्या दे दिया है टोटल, तो लड़के और लड़के का अनुपात ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, तो 1554 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4/7 × 1554, तो 7×2=14 होता है, 1 बचा यहाँ पे गया तो कैरी हो जाएगा, 7×2=14 रही हो जाएगा 2 × 14 = 222 आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 4×2=8, 4×2=8 और 4×2=8 888 लड़के हो गए। अब लड़कियां ज्ञात करना है, या तो इसमें से माइनस कर दीजिए या ये प्रोसेस अपनाइए, लड़कियां कितने हैं दोस्तों, तो लड़कियां के लिए हो जाएगा, लड़कियों का अनुपात कितना है 3 है, 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे टोटल का योग हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा तो 7 हो जाएगा 1554। अभी यहाँ पे ऊपर काटे हैं कि ये 222 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 3×2=6, 3×2=6, 3×2=6, 6×6=66। अब देखिए जब ऐड कर रहे हैं तो देखिए 8×6=14 के 4 हाथ में आए, 8×6=15 के 5 हाथ में आए, 8×6=14=15 आ गया 1554 दोनों का। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया तथा कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब देखिए कुछ दिन बाद ज्ञात कर लीजिए, कुछ दिन बाद जब आप ज्ञात कर लेंगे तो लड़की कितनी हो जाएंगे दोस्तों, लड़कियां कितनी हो जाएंगी कुछ दिन बाद, 666 तो लड़कियां हैं प्रेजेंट में, 666 तो हैं, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं तो इसमें ऐड हो जाएंगी ना, जब 30 लड़कियां ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा 696 टोटल लड़कियां हो गई कुछ दिन बाद। अब माना यक्स लड़कों ने विद्यालय को छोड़ा, माना यक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब देखिए अब प्रश्नानुसार आ जाइए, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, छोड़ा परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। अब देखिए टोटल लड़के 888 हैं, यक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो लड़कों की संख्या 888 - यक्स हो जाएगा, 888 - यक्स हो जाएगा। नीचे लड़कियों का, यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है ना, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात पहले याद कीजिए, लड़कियां कितने हैं, तो 696 = क्या हो जाएगा दोस्तों, 7:6 हो जाएंगे, इतना कन्फर्म। अब देखिए नीचे इसका हर ये है, ये भी हर, देखिए हर एक दूसरे से कट रहा है, तो ये करने देखिए कट जाएगा, 6×6=6×6=36 कट जाएगा, 6×6=6×6=36, 116 बार में एक कट जाएगा इससे। अब इसको आसान हो गया सॉल्व करना, तो इसका इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 888 - यक्स = 7×116, कन्फर्म, इसके हर से इसको हर को डिवाइड कर दिए। अब देखिए 888 - यक्स = 7×42 के दो हाथ में आया 4, 7×4=11 के एक हाथ में आया 1, 7×1=8, तो यक्स ये माइनस यक्स होगा इधर जाएगा, तो 812 - 888 हो जाएगा -यक्स =
आठ में से दो जा छः, आठ में से एक जा सात, आठ में से आठ जा जीरो, माइनस के साथ दोनों बगल माइनस है तो यक्स बराबर 76। 76 बच्चों ने क्या किया दोस्तों, विद्यालय को छोड़ दिया। तो यहाँ पे यक्स का मान 76 आ गया। अब यही है लड़कों की संख्या, तो आप यहाँ पे क्या माने थे, छोड़ने वाले लड़कों की संख्या यक्स माने थे, तो कितने लड़कों ने छोड़ दिया, तो 76 लड़कों ने छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस आपको कन्फर्म हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो भी बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अरे दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी SSC CHSL में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीयर फर्स्ट में 2015 का क्वेश्चन ये भी है। देखिए कह रहा है कि अनुपात दो संबंधे पाँच के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह पाँच संबंधे छः के अनुपात में हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अनुपात आप पद लिख लीजिए 2:5। अब देखिए कह रहा है कि इनके पद में क्या जोड़ा जाए, कितना हो जाए, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, जो इनका पद दिया है ना इसमें दोनों सेम ही अंक जोड़ा जाता है, दोनों इनका सेम अंक जोड़ा जाता है, तभी तो निकलेगा कि दोनों जब सेम अंक जोड़ेंगे तो इनका अनुपात पता चल जाता है। तो मान लीजिए आप दोनों में एक्स को ऐड किया जाता है या वाई को ऐड किया जाता है, क्योंकि सेम ही अंक जोड़ा जाता है, जब सेम अंक जोड़ेंगे तभी आपको यहाँ पता चल जाएगा। नहीं दोस्तों, जब आप सेम अंक नहीं जोड़ेंगे तो दो वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाएगा, इक्वेशन दो वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा, तो आपको पता है कि इक्वेशन बनेगा और दो वेरिएबल आ जाएंगे तो उसको सॉल्व करने में कठिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप वाई एक्स मान लीजिए और यहाँ पे आप वाई मान लीजिए, तो दो वेरिएबल आ गए और दो वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन बनेगा और दो वेरिएबल में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि एक इक्वेशन अगर एक वेरिएबल में होता है सॉल्व हो जाता है, दो वेरिएबल होता है एक ही इक्वेशन होता है सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे ही इसमें बस आप एक वेरिएबल मानिए एक्स मान लीजिए, इक्वल कर दीजिए 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजी से, क्रॉस मल्टीप्लाई 6×2=12, 6x 55 और प्लस 5x, इसको इधर इसको इधर, 6x-5x=25-12, तो हो जाएगा x=13। अब देखिए x बराबर अगर 13 इसमें रख दिया जाता है तो 5 × 5 = 6 आ जाता है। देखिए प्रूफ करके दिखाता हूँ, 2+13 / 5+13 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 15 और नीचे हो जाएगा 8×1=18, 5 × 3 = 15 और 3 × 6 = 18, 5/6 आ गया ना, देखिए 5/6 आ गया। वही यहाँ पे काम करना, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे करते हैं साल, इसमें एक वेरिएबल बस मान के लिए चलते हैं, दो वेरिएबल आप मान लेंगे, दो अचर पद मान लेंगे तो दो वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा और एक ही वेरिएबल का इक्वेशन आपको मिलेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो योग दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के बारे में देखिएगा, अच्छे समझ में कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में नहीं आया क्यों नहीं आया, ज़्यादा हम तेज़ बोल रहे हैं कि या स्लो बोल रहे हैं, जो भी वो प्रॉब्लम आप कमेंट करके हमको बता दिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख आपको रिप्लाई दे दूंगा जरूर। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, पसंद है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद है तो लाइक मत कीजिएगा। चैनल पर नया अगर वीडियो पहली बार देखना है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है प्रेस कर दिया, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, 6 बजे आपको GK का क्वेश्चन मिल जाते हैं, SSC बैंकिंग रेलवे का बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GK का मिलता है, आप देखेंगे बात तो मजा आ जाएगा क्लास। सुबह 7 बजे आपको इंग्लिश का क्लास मिल जाता है एकदम बेसिक से, किसी एग्जाम के लिए भी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। शाम को 5 बजे आपकी मैट्रिक्स का खजाना क्वेश्चन मिल जाता है, जो किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना क्वेश्चन टिक से होता है मैं टिक से सॉल्व कराता हूँ, जो क्वेश्चन टिक से नहीं होता उसको मैं बेसिक से भी सॉल्व कराता हूँ, आप क्लास देखते होंगे तो आपको मजा भी आता होगा, एक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बताता भी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप बच्चे के पास पहुंच सके, किसी को प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल शेयर आप कीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब के लिए जय दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे धमाका टिक के साथ, बने रहिए VK स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।